एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन. कैसे आप सब? आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल. सो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम डेटा इंटरप्रिटेशन का एक अलग टाइप डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो निकालना सीखेंगे, और इसका नेट प्रॉफिट क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कैसे होता है तो वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज का टारगेट है डीआई का अलग टाइप डिस्कस करना, जिसके अंदर वी गोइंग टू कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज एंड नेट प्रॉफिट. तो सबसे पहले यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने से बजाय पहले हम ये जान लेते हैं कि एग्जैक्टली ये आपका प्रॉफिट क्या होता है, फिर हम इसकी प्रॉफिट परसेंटेज देखेंगे. तो सबसे पहले अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट क्या कहते हैं कि जब भी हम यहाँ पर किसी तरीके की ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके अंदर आपको कितना अमाउंट गेन हो रहा है, तो हमारा प्रॉफिट बन जाता है. अब प्रॉफिट आपका किस में से निकलता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से. यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस की बात करें कि कोई भी वस्तु कितने में यहाँ पर खरीदी गई है, क्या उसका कॉस्ट प्राइस है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी चीज़ खरीदी 100 रुपये में, ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा. आपने शैम्पू खरीदा 100 रुपये में, आपने आटा लिया 100 रुपये में, ये कॉस्ट प्राइस आ गया. इसके अलावा जब यहाँ पर दुकानदार उसको सेल करता है, उसको बेच रहा है अपने कंज्यूमर को, तो वो आपका सेलिंग प्राइस कहलाता है. कॉस्ट प्राइस कितना बॉट किया उसने, कितने में खरीदा, और सेलिंग प्राइस यानी कि कितने के अंदर उसने बेचा, यानी कि कितना उसका सेल किया, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस. सपोज एक दुकानदार ने 100 रुपये का सामान खरीदा और उसको आगे अपने कंज्यूमर को 120 रुपये का बेचा, तो इसके बीच में जो देखो क्या निकला, यहाँ पर डिफरेंस कितना निकला, 20 का. तो कितना प्रॉफिट हुआ दुकानदार को, 20 रुपये का. 100 रुपये का खरीदा था, 120 का बेचा, और उसने कितना प्रॉफिट गेन करा, 20 रुपये का. तो हमेशा ही जो प्रॉफिट हम निकालते हैं तो प्रॉफिट हमेशा ही कॉस्ट और प्राइस और सेलिंग प्राइस में से निकलता है, कि हमेशा ही ये कंडीशन होती है कि अगर आपको किसी तरीके का प्रॉफिट चाहिए तो हमेशा ही सेलिंग प्राइस को ज़्यादा रखना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस के कंपैरेटिवली, और उसका जो ट्रांजैक्शन बीच में होगी, जो अमाउंट गेन होगा, वो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट कहलाएगा. क्लियर है यहाँ तक, ये हमने डिस्कस किया. अब एक क्वेश्चन के अंदर आता है नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट भी यही है कि आपने सामान क्या इनकम थी उसका क्या एक्सपेंडिचर रहा, तो ये मेरा नेट प्रॉफिट बन गया, कि कितने का था, यहाँ पर कितना एक्सपेंड किया, कितना हमें यहाँ पर बीच का प्रॉफिट मिल गया, ये मेरा नेट प्रॉफिट बन जाएगा. तो ये तरीके का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं. इसी तरीके से यहाँ पर यूज़ होने वाला है एक परसेंटेज प्रॉफिट. तो परसेंटेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100. जब हम प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल इनकम में से एक्सपेंडिचर से, तो वो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाता है. ठीक है, तो ये 3-4 फॉर्मूले हमारे यूज होने इस क्वेश्चन के अंदर. तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेगी कि बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो. तो आपको एक तरह की टैबुलेटेड फॉर्म दी हुई है जिसके अंदर ईयर वाइज फाइनेंशियल डिटेल दी हुई है 1,00,000 रुपये में. टेबल शो करा है द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी ए. यहाँ पर आपको कंपनी ए है कोई भी, उसका परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है 40, 25, 60, 40, 10, 20 अलग अलग ईयर में. दूसरी तरफ कंपनी बी दी हुई है, कंपनी बी का एक तरफ इनकम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है. अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या दोनों की यूनिट सेम है, ऐसा तो नहीं हो एक 1,00,000 में दिया हुआ, एक आपको अलग करोड़ में दिया हुआ है, तो आपको ये सही से देखना पड़ता है. तो यूनिट इसकी सेम है तो आपको कुछ अलग से इसको मतलब कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो एग्जैक्टली आपको यही उठा सकते हो कि इनकम आपको भी 1,00,000 में दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर भी आपको 1,00,000 में दिया हुआ है, अलग अलग ईयर के अकॉर्डिंग. अब आपको इसका यूज़ करते हुए परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है. अब आप देखो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द परसेंट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी ए एंड कंपनी बी इन द ईयर 2013. अब आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है कंपनी ए का कंपनी बी का इन द ईयर 2013. तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले कंपनी ए का जो हमें पता है परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है कंपनी ए का 2013 में कितना दिया हुआ है, 40%. अब आपको कंपनी बी का निकालना है सेम ईयर में 2013 में, और इसके आप यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे क्योंकि हमें इनकम और एक्सपेंडिचर दिया है. तो फॉर्मूले में पुट करो, तो सबसे पहले इनकम कितना है मेरा यहाँ पर 2013 का 48.6, ये मेरा कितना है 36 डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर 36.
इंटू यहाँ पर इंटू 100, तो 48.6 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100, ये मेरा कितना निकल जाएगा? 48.6, 36.0 ये 6, ये 2 और ये 1, यानी कि 12.6, 36 इंटू 100। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। और ये आंसर क्या निकलेगा? ये मेनली आपका आंसर निकलेगा कि उसकी प्रॉफिट जो परसेंटेज है हमारी, वो कितनी है कंपनी पी की। जब ये प्रॉफिट परसेंटेज का आपका निकल जाएगा कंपनी पी का, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको ये इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो यहाँ पे 35% बनेगा, ठीक है। अब मैं इसको इसके डिफरेंस निकालूंगी माइनस करते हुए, तो 40% का 2013 में कंपनी ए का प्रॉफिट परसेंटेज को जब मैं डिफरेंस निकालूंगी कंपनी बी के मतलब सेम ईयर 2013 में, तो वो मेरा 5% बन जाएगा, यानी कि 40% माइनस 35% इज इक्वल टू 5%। तो 5% इज द आंसर। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझी, डिफरेंस निकालने को कहा था परसेंट प्रॉफिट का, तो हमें परसेंट प्रॉफिट कंपनी ए का तो दिया हुआ था लेकिन कंपनी बी का नहीं दिया हुआ था, तो डायरेक्टली हम इसको कम्यूट कर देंगे और उसका निकाल देंगे प्रॉफिट परसेंटेज, जितना आया उसको उससे माइनस कर देंगे और उसका डिफरेंस बता देंगे। तो 5% मेरा आंसर आ गया, क्लियर यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको काफी चीजें देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका। अब इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करते हुए आपको आंसर देना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें, इफ द इनकम ऑफ अ कंपनी ए, धीरे धीरे पढ़ना है, इफ द इनकम ऑफ अ कंपनी ए, इनकम ऑफ द कंपनी ए 2014 में हैपन टू बी 32.5 लाख, यानी कि अगर मान लो कंपनी ए का 2014 में जो इनकम है वो 32.5 लाख है, ठीक है, देन व्हाट वाज द सम ऑफ अ नेट प्रॉफिट। जब सम क्या होगा नेट प्रॉफिट का ऑफ अ कंपनी ए एंड कंपनी बी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, इस इनकम जो दी हुई है उसका आपको एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा प्रॉफिट परसेंटेज से, तो आपको यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों मिल जाएगी। फिर आप जब आपको ये मिल जाएगा आप उसका नेट प्रॉफिट निकालोगे। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेगी कंपनी ए का तो वो आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, उसका सम और जो आप कंपनी बी है 2014 में उसका नेट प्रॉफिट का सम दोनों को ऐड कर दोगे तो ओवरऑल आपका आंसर बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहां पर मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगी, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट से, प्रॉफिट परसेंटेज से एक्सपेंडिचर निकालूंगी ताकि मेरा नेट प्रॉफिट बन पाए। तो यहाँ पर कंपनी ए 2014 का कितना दिया हुआ है, 25% डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू इनकम कितना दिया हुआ है 32.5, यहाँ पर एक्सपेंडिचर मुझे निकालना है, यहाँ से मुझे कैलकुलेट करना है। तो एक ट्रिक होती है, अगर यहाँ पे 100 होता है ना तो यहाँ पे जाके इधर प्लस हो जाएगा तो ये 125 बन जाएगा, 125 बन जाएगा। डायरेक्ट इस शॉर्टकट को भी यूज कर सकते हैं, 32.5 माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर। अब आप इसको कैलकुलेट करो 5 के बारे में, 5 × 10 और ये 2 × 25, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका यहां से आंसर मिल जाएगा एक्सपेंडिचर का, ये इंटू हो जाएगा इधर, ये इधर आ जाएगा, आप इसको करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। फिर आपको जितना आंसर आया, मान लो मेरा जो आंसर यहाँ पर 26 आया, मेरा यहाँ पे आंसर 26 आया। अब ये 26 मेरा क्या मिल गया, नेट प्रॉफिट, ये सॉरी आपका एक्सपेंडिचर। अब मैं इसका नेट प्रॉफिट निकालूंगी, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालूंगी, जो इनकम दी हुई है मुझे यहाँ पर उससे माइनस कर दूंगी, तो ए की इनकम मुझे कितनी दी हुई है 32.5 माइनस 26, ये मेरा एक्सपेंडिचर निकला है, तो 32.5 माइनस 26 कितना बन जाएगा, 32.5 26, तो ये आपका बन जाएगा 6.5। ये मेरा नेट प्रॉफिट निकला है कंपनी
का 2014 में। अब मैं कंपनी बी का नेट प्रॉफिट निकालूंगी, तो कंपनी बी के अंदर आप नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे 2014 में, तो डायरेक्टली इसको माइनस कर दोगे, 35 माइनस 25 10 आ गया। अब आपको क्या कह रहा था, इनका सम बताना था, सम ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी ए एंड कंपनी बी इन 2014। तो कंपनी ए का नेट प्रॉफिट कितना निकला था 6.5, कंपनी बी का कितना निकला था मेरा 10, इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो 16.5 इज द आंसर। ठीक है, फोर्थ इज द आंसर, फोर्थ इज द आंसर 16.5 लाख। क्लियर हो गया, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इसका परसेंट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी बी वाज अ मैक्सिमम इन द ईयर। अब आपको परसेंट प्रॉफिट निकालना है कंपनी बी का, किसके सबसे ज़्यादा है, तो आपको कंपनी बी का इनकम और एक्सपेंडिचर यूज करते हुए हर एक का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा और उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो इसका आंसर होगा। तो क्या करोगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे 2014 का निकालूंगी क्योंकि क्वेश्चन मुझे 2014 का कह रहा है निकालने को, तो मैं यहाँ पे निकालूंगी इनकम कितनी दूँ ये 35 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 25 × 100 10 25 100 25 एकम 25 25 चौके 100 तो ये 40%। 2014 का 40% निकल गया। नाउ 2015 का निकालते हैं, 2015 का कैसे निकालोगे 62.4 माइनस 48 डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ है 48 × 100 तो 62.4 माइनस करूंगी मैं 48 से बारह में से आठ गए चार तो 14.4 डिवाइडेड बाय 48 × 100 ये इधर आ जाएगा जीरो। ठीक है, अब इसको यहाँ पर मैं इंटू जीरो से जीरो कट जाएगा, फिर यहाँ से इसको फर्दर मैं कर दूंगी कैलकुलेट। तो फर्दर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपका 2015 का प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगी, तो इसकी जो निकलेगी 30% निकलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मतलब 2016 का निकालना है। अब 2016 का कैसे कैलकुलेट करूंगी 77 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 44 × 100 तो 77 माइनस 44 तो ये कितना निकल जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 44 ये 11 की टेबल से कट जाएगा तो 25 दिया 75 75। तो 2014 का कितना आया 40, ये 30, ये 75। अब 2017 का निकालो, 2017 का 80 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50 × 100 तो ये 30 डिवाइडेड बाय 50 × 100 तो ये 60 निकल गया। तो सबसे ज़्यादा किसका है 2016 का, तो 2016 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ, इस तरीके से हमने निकाला। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, वो कैसे, अगर एक्सपेंडिचर हमारी कंपनी ए का इन द ईयर 2017 वाज ₹45 लाख, अगर मान लो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कंपनी ए का, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कंपनी ए का इन द ईयर 2017 वो मेरा 45 लाख दिया हुआ है। अब इस 45 लाख का मुझे कंपनी ए का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, अब मुझे क्या कह रहे हैं, देन द नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी ए, अब आपको नेट प्रॉफिट बताना पड़ेगा कितना है कंपनी ए का, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी बी इन द सेम ईयर। तो 2017 का कंपनी बी का नेट प्रॉफिट और कंपनी ए का नेट प्रॉफिट 2017 में कितना है कंपैरेटिवली, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप यहाँ पर 2017 का जो आपको एक्सपेंडिचर दिया हुआ है उससे आप पहले इनकम निकालोगे, जो इनकम निकल जाएगी आप डायरेक्टली उसको एक्सपेंडिचर से वहाँ से माइनस कर दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी एक और तरीका है शॉर्टकट में, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको पहले एक्सपेंडिचर दे दे, आपको नेट प्रॉफिट निकालना हो, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज को डायरेक्टली इनटू कर दोगे उसके किससे एक्सपेंडिचर से, तो डायरेक्टली आपकी इनकम निकल जाएगी, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर कोई एक्सपेंडिचर अगर आपको
प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है, प्रॉफिट परसेंटेज मेरी 10% है किसके अंदर, कंपनी ए की इन द ईयर 2017, और मुझे एक्सपेंडिचर दिया 45 लाख, तो 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, तो मैं इतना दिया भाई। अब मैं इसको डायरेक्टली इसको कर दूंगी इनटू, इसको क्रॉस क्रॉस यहाँ से कट गया जितना, तो मेरा 4.5 लाख बन जाएगा इसका आंसर, 4.5 लाख इसका आंसर बन जाएगा डायरेक्टली अगर मैं इसको करूँगी तो सॉल्व। अगर आपको जीरो भी नहीं काटना तो आप डायरेक्टली 4.5 लाख भी इसको आंसर लिख सकते हैं। अब देखो ये मेरा 4.5 लाख बन गया, अब इसका यहाँ पर ये क्या निकला, ये मेरा डायरेक्टली नेट प्रॉफिट निकल गया, मुझे फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्टली प्रॉफिट परसेंटेज का यूज़ करा और उसको इनटू कर दिया एक्सपेंडिचर से, और मेरा डायरेक्टली यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकल गया प्रॉफिट परसेंटेज से। अब जब ये निकल गया, अब कंपनी बी का निकालना है आपको नेट प्रॉफिट, तो कंपनी बी का नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ये कितना आ जाता है, ये 30 आ जाता है, 30%। अब ए का यानी कि 4.5 डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100, अब आपको ये कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करो इसको, ये जीरो नीचे आ जाएगी तो 15%, तो 15% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि एक्सपेंडिचर कंपनी ए का 2017 में 45 लाख था जिसका यूज करते हुए मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल दिया। जब नेट प्रॉफिट बन गया मेरा तो उसके कंपैरेटिवली मैंने नेट प्रॉफिट निकाला बी का और उस दोनों का परसेंटेज निकाल दिया, तो मुझे ये पता चला कि 15% है मेरा कंपनी ए का नेट प्रॉफिट कंपैरेटिवली टू द कंपनी बी इन द सेम ईयर, तो 15% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया, इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इफ द इनकम ऑफ अ कंपनी ए इन द ईयर 2018 वाज 90 लाख, अगर इनकम ध्यान से, अगर इनकम मेरी कंपनी ए की इन द ईयर 2018 90 लाख है, तो 90 लाख मेरा इनकम है 2018 का, देन नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी बी इन 2018 इज 1% मोर देन द नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी ए, तो आपको यहां पर इनकम दी हुई है, अब आप यहां से क्या करोगे, आप इसके अंदर एक्सपेंडिचर निकालोगे, ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है 2018 का 20%, इनकम मुझे दी हुई है 90 लाख, एक मिनट, इनकम मुझे दी हुई है 90 माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100, तो अभी मैं इसको क्या करूंगी, कैलकुलेट करूंगी यहां से, जब मैं डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करके आप करोगे तो आपका यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो यहाँ से जो मेरा आंसर निकला है वो यहाँ पे 75 लाख निकला है, आप भी कैलकुलेट करके देखना, इसका राइट आंसर 75 लाख ही निकलेगा। जब ये निकल गया, निकलने के बाद अब मैं क्या करूँगी, 75 लाख आ गया, अब मैं इसका नेट प्रॉफिट निकालूंगी, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करूँगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये मेरा क्या निकला था, ये मेरा एक्सपेंडिचर निकला था, इनकम कितनी थी 90 लाख माइनस 75 डिवाइडेड बाय 5 और ये आपका यहाँ से कितना निकल गया 15, ठीक है, नेट प्रॉफिट मेरा कंपनी ए का इन द ईयर 2018 निकल गया 15। अब कंपनी बी का निकालना है, कंपनी बी का नेट प्रॉफिट 72 माइनस 45 तो 27, तो ये 27 निकल गया। अब आपको इसको मोर देन बताना है कि कितना मेरा कंपनी ए का नेट प्रॉफिट मोर है कंपैरेटिवली टू कंपनी बी, तो 75 यहाँ पर 15 को माइनस करूंगी 27 से, डिवाइडेड बाय कितना मोर है, तो नीचे क्या आएगा लेस वाला, डिवाइडेड बाय 15, तो नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी ए कंपैरेटिवली निकालना था कंपनी बी के कितना ज्यादा है, तो ये हमने क्या करा 27 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 निकाल लिया, बी का मेरा निकला था 27 और मेरा ए का निकला था 15
और नीचे इसका क्या निकला, मोर पूछा था तो लेस लिखेगी। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि 2018 का जो नेट प्रॉफिट है कंपनी ए का 2018 बी के कंपैरेटिवली कितना लेस है, तो उस केस में क्या करते, नीचे मोर वाली संख्या लिखते, तो नीचे आता 27। अभी हम क्या लिखेंगे, 15, क्योंकि मोर पूछा है तो नीचे लेस, अगर लेस पूछा है तो नीचे मोर। तो इसको कैलकुलेट करोगे, बारह डिवाइडेड बाय 15 कट जाएगा, तो 80 इसका आंसर आ जाएगा। 80% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है तक? तो यहां तक हमारा पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। समझ आया आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, कैसे हम इसका यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसको हमने ये कैलकुलेट किया। अब हम नेक्स्ट डीआई की तरफ जाते हैं। ये आपकी अलग डीआई है, ये थोड़ा सा अलग टाइप है आपका उसके कंपैरेटिवली। इसके अंदर भी हम निकालेंगे, लेकिन इसके अंदर हम प्रॉफिट निकालेंगे, सबसे ज्यादा हम प्रॉफिट निकालेंगे, और उसके अंदर हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था। अब हम यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। कंसिडर द टेबल गिवन बिलो फॉर टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ 6 कंट्रीज ओवर द 5 ईयर्स इन करोड़ ऑफ रुपीज एंड दे आंसर द क्वेश्चन। यानी कि आपको टेबल दी हुई है जिसके अंदर टोटल एक्सपोर्ट दिए हुए 6 कंट्री के अलग अलग ईयर में, ईयर वाइज, और ये जो एक्सपोर्ट है ये करोड़ के अंदर है, ठीक है। अब आपको इसके अंदर फॉर्मूला जो यूज करने का कहा है, प्रॉफिट अगर निकालने को कहे क्वेश्चन, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आपको डायरेक्टली निकाल देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आया। अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझना और उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर करना। तो सबसे पहले यहां पर आता है, इफ द एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री ए, इफ द एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री ए इन द ईयर 2013, तो ये जितने भी दिए हुए ना एक्सपोर्ट दिए हुए, टेबुलेटेड फॉर्म में एक्सपोर्ट दिए हुए हैं। इफ द एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री ए इन द ईयर 2013, इन द ईयर 2013, अब 2013 दिया नहीं है, हम अज्यूम कर रहे हैं इफ करके, अगर एक्सपोर्ट कंपनी ए का इन द ईयर 2013 20% मोर है देन द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री बी इन 2011 एंड द एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री ई इन 2010 टुगेदर। यहां तक रुक जाओ, स्टॉप। कोई एक्सपोर्ट है कंट्री ए का 2013 में जो 20% ज्यादा है देन द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री बी इन 2011, 2011 के अंदर टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री बी एंड टोटल एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री ई का 2010 में टुगेदर। यानी कि ये देखो, समझ आया, 50 + 55 इन दोनों के एक्सपोर्ट की कंपैरेटिवली 20% ज्यादा है। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट हम निकालेंगे 2010 का ई वाली कंपनी का प्लस 2011 बी वाली कंपनी का। तो ई वाली कंपनी का कितना है 55, 2011 के अंदर कितना है 50, कितना आ गया 5, 5, 5, 10, 105। अब इसके 20% ज्यादा है, इसके 20% ज्यादा एक्सपोर्ट ऑफ अ कंपनी ए, तो कैसे निकालोगे, तो ये कितना हो जाएगा, मान लो अगर इसका एक्सपोर्ट 100 है तो उसके 20% ज्यादा है तो कितना हो जाएगा 120। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली इसे कैलकुलेट कर देंगे, तो 105 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100 है ना, क्योंकि हमें टोटल एक्सपोर्ट दिया हुआ था 2010 और 11 का ई और बी कंपनी का 105, अब उसके कंपैरेटिवली ये ज्यादा है तो क्या करेंगे, 20% ज्यादा है तो यानी कि 120 आ गया, 120 डिवाइडेड बाय 100। अब मैं इसको यहाँ पर कर दूंगी कैलकुलेट, कैलकुलेट करने के बाद आप देखो इसका क्या राइट आंसर आएगा, तो यहां पर ये यहां से गया, एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री ए निकला 2013 में, एक्सपोर्ट निकला मेरा, एक्सपोर्ट निकल गया 2013 में कंपनी ए का 126 सॉरी। अब देखो देन व्हाट वाज द प्रॉफिट ए इन द ईयर 2013 इफ इट्स इंपोर्ट वाज ₹92 करोड़। अगर मान लो ये तो मेरा एक्सपोर्ट निकल गया 126, अब कह रहा है कि प्रॉफिट क्या है कंपनी ए का 2013 में अगर मुझे इंपोर्ट दिया हुआ है मतलब 92 करोड़, तो क्या करोगे, प्रॉफिट निकालोगे, एक्सपोर्ट पता है 126 माइनस कर दोगे इंपोर्ट को, तो क्या निकल जाएगा प्रॉफिट, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 126 माइनस 92
126 मेरा एक्सपोर्ट था 2013 का और 92 मेरा इंपोर्ट था, तो ये कितना आ जाएगा 34। तो 34 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया किस तरीके से कैलकुलेट करा? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना था। हालांकि क्वेश्चन में 2013 गिवन नहीं था, लेकिन इसने अज्यूम करने को बोला कि ये इसका 20% ज्यादा है टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी बी एंड ई का टुगेदर। तो हमने उसका पहले कितना ज्यादा है वो निकाला, और निकालने के बाद यहाँ पर उसको यूज करते हुए एक्सपोर्ट आया, और लास्ट में इंपोर्ट से दिया हुआ था उसका माइनस करते हुए प्रॉफिट निकल गया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर्मूला प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये अलग तरीके का डीआई है। समझ आया? नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर थोड़ा सा अलग टाइप है ये, इसके अंदर रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आपको रेशियो दिया हुआ है, तो कैसे करोगे कैलकुलेट? इफ द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट, यानी कि अगर रेशियो हमारा एक्सपोर्ट में ई एक्स पी लिख रही हूँ, ठीक है, और इम्पोर्ट एफ का दिया हुआ है, कंपनी मतलब ये जो एफ का कंट्री ईयर एफ का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4:1, और एक्सपोर्ट का और इम्पोर्ट का रेशियो दिया हुआ है डी का कितना दिया हुआ है 1:2 रिस्पेक्टिवली इन द ईयर 2008, रिस्पेक्टिवली इन द ईयर 2008। ठीक है, देन 2008 का दोनों का फिर कह रहा है, देन व्हाट इज द टोटल इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री एफ एंड डी टुगेदर इन द पर्टिकुलर ईयर। देन आपको क्या निकालना है? टोटल इंपोर्ट निकालना है किसका, कंट्री एफ का और डी का टुगेदर इन द पर्टिकुलर ईयर। तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर मुझे एक्सपोर्ट पता है 2008 का, कंपनी एफ का एक्सपोर्ट मुझे पता है क्योंकि मुझे टेबल के अंदर गिवन है। तो कितना आ जाएगा कंपनी एफ का 2008 में 24। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसी फॉर्मूले का यूज़ करूँगी। तो एक्सपोर्ट मेरा 24 है डिवाइडेड बाय इम्पोर्ट मुझे निकालना है, मुझे नहीं पता, इज इक्वल टू, ये एफ का निकाल रूँ एफ कंपनी का, इज इक्वल टू 4/1। तो ये इंटू हो जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 24 इज इक्वल टू 4 इम्पोर्ट। ठीक है, और ये 4 नीचे चले जाएगा, तो यहाँ से मेरा इम्पोर्ट निकल गया कंपनी एफ का, 4 6 24, 24 आ गया इम्पोर्ट कंपनी एफ का। अब इसी तरीके से कंपनी डी का निकालूंगी, तो कंपनी डी का एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है 2008 का 60 डिवाइडेड बाय इम्पोर्ट मुझे निकालना है, इज इक्वल टू 1/2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा, इसको कंपनी डी का निकालना है ना, कंपनी डी का 2008 में, तो कंपनी डी का निकालना है, ये ई का निकाल दिया मैंने गलती से, तो ये भी ध्यान रखना, ऐसे गलती आप मत करना, ध्यान से देखना पड़ता है इसको। तो कंपनी किसका बोल रहा था, ये डी का एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है 45, ये रहा क्रॉस मतलब डाल लिया करो एक बार, इक्वल टू ये, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 90, इज इक्वल टू कितना निकल गया मेरा इंपोर्ट निकल गया। तो अब इसका क्या था, सम बताना है टोटल इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री बी और मतलब कंट्री डी और एफ का, तो टोटल कर दो 90 + 6 कितना हो जाएगा 96, तो 96 मेरा राइट आंसर है। ठीक है, समझ आया? जैसे ऐसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको करना था, कुछ नहीं करना था, एग्जैक्टली उसका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट लिखना था उसके रेशियो में, और डी कंपनी का भी एज इट इज लिखना था, एक्सपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट लिखो, वहां से कैलकुलेट करते हुए इम्पोर्ट निकल जाएगा, एक इम्पोर्ट निकलेगा डी कंपनी का, एक इम्पोर्ट निकलेगा एफ कंपनी का, और उसको आपस में प्लस कर दोगे तो वो आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो 96 आ जाएगा मेरा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रॉफिट ऑफ ऑल द कंट्रीज टुगेदर इन द ईयर 2012। अब आपको प्रॉफिट बताना है सभी के सभी कंपनी का, ठीक है, ऑफ ऑल द कंट्रीज टुगेदर इन द 2012, तो 2012 का सभी के सभी का प्रॉफिट बताना है। इफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ ऑल द कंट्री टुगेदर वॉज 385, कुछ नहीं करना, प्रॉफिट का क्या होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सबसे पहले ये प्लस करो जो आएगा उसको इसके यहां से इंपोर्ट से माइनस कर दो, तो यहां पे प्लस करो कितना आएगा, ये 100 90 65 25, इतना करा मैंने, 5 5 10 और 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 12
280 प्लस 110 और 120, ठीक है, इतना ही आया आपका प्लस करने पे या कुछ और आया? 2, 3, 4, 5 आ गया, ये 510 आ गया। अब 510 को जब मैं माइनस करूंगी इसके इंपोर्ट से 385, 10 में से 5 गई 5, यहां से ये 10 बच गया 2 और ये 4 और 1 1, यानी कि 125। 125 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर दिया, ये भी इजी था। नाउ आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? अब इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये जो ये कैसे इसका निकालते हैं, रेशियो में कैसे लिखते हैं। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज टुगेदर फ्रॉम द ईयर 29, मतलब 2009 टू 2011। तो परसेंटेज इंक्रीज बताना है इन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज टुगेदर फ्रॉम 2009 टू 2011। तो सबसे पहले 2009 का एक्सपोर्ट बताना है, इसको प्लस करोगे, फिर 2011 का प्लस करोगे यहाँ पर, ठीक है, फिर उसका कैलकुलेट करते हुए परसेंटेज इंक्रीज आप निकालोगे। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करो, तो यहाँ पर 2009 का निकालूंगी मैं 40, 25 ऑल कंट्रीज टुगेदर कह रहा है, ये भी ध्यान रखना, 60, 50, 40, 5, 5, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 8, तो ये आ जाएगा आपका प्लस करते हुए इसका आंसर। तो एक बार आप भी प्लस करना, कुछ प्लस करने में दिक्कत ना हो जाए, इसको अच्छे से प्लस कर देना, तो जो आंसर आपका आ जाएगा इसके अंदर 40 प्लस 25 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 40, तो 270 आएगा यहाँ तक, क्योंकि ये प्लस हो गया ना 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके, तो ये 270 आ गया, 27 बन गया। अब ये मेरा बन गया किसका, 2009 का 270। अब इसको 2011 वाले को करो प्लस, 2011 वाले को करोगे प्लस तो कितना बनेगा, 45 प्लस 50 और 90, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 140, 140 हमारा, ठीक है, प्लस 50 प्लस यहाँ पर 90 हो गया, प्लस 15 और उसके अंदर हमने 100 को प्लस कर दिया और प्लस मेरा यहाँ पर आ गया 75, तो 375 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 375, ठीक है। अब ये 375 आ गया, ये मेरा 270 आ गया। अब मैं क्या करूंगी इसको, अब मुझे यहां पर बताना था इसका परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज। अब देखो परसेंटेज इंक्रीज कह रहा है, तो नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, कम वाली, तो 375 माइनस 270 डिवाइडेड बाय 270, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज बोला है नीचे डिक्रीज वाला आएगा, मोर बोला है लेस आएगा, तो 375 माइनस 270 105 डिवाइडेड बाय 270 इंटू 100। अब जितना कट सकता है उतना काटो, तीन के पाड़े से कट जाएगा है ना, उसे कट जाएगा, 3 × 27, 3 × 1 = 3, 3 × 5 यहाँ पर 3 × 9 = 3 × 15 इतना आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट करो, अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे इरेज करके मैं डिवाइड कर देती हूँ, तो मेरा 350 यहां पर आ गया था, तो अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी, नीचे मेरा 9 था तो 9 350, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको हमेशा ही कहते हैं यहां पर डिवाइजर, क्या कहते हैं, डिवाइजर, कि जिससे हमें यहां पर डिवाइड करना है, ये क्या होता है, डिविडेंड, ये क्या होता है, डिविडेंड, जिसको हमें यहां पर डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है वो नीचे जो आता है उसमें अपॉन में वो डिवाइजर, और जिसको करना है वो हमारा डिविडेंड, और यहाँ पर आपका आ जाता है, इसको क्वोटेंट कहते हैं, ये जो इधर आप लिखोगे कैलकुलेट कर करके क्वोटेंट, और नीचे आ जाएगा मेरा रिमाइंडर,
तो सबसे पहले क्या करूंगी मैं, इसको कैलकुलेट करूंगी। 9 चौक यहाँ पर 36 ज्यादा जाएगा, 9 तिया 27, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो यहाँ पर 8 आ गया और इधर 0 आ गया, ठीक है। फिर आगे फर्दर कैलकुलेट होएगा, 9, 8, 72, नीचे कितना बचा, 10 में से दोगे 8, तो ये 8 आ गया, ठीक है। अब ये देखो रिमाइंडर कितना आया, 8। तो इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर आप हमेशा ही ये लिखते हो इस फॉर्म में कि जिसके अंदर क्वेश्चन आपका इधर आता है, ठीक है, क्वेश्चन आपका इधर आता है 38, ऊपर आपका रिमाइंडर आता है और नीचे आपका डिवाइजर आता है। इस तरीके से आप इसको लिखते हैं जो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। नीचे क्या आएगा, नीचे वाला जो रिमाइंडर है ऊपर चले जाएगा, जो डिवाइजर है वो इधर आ जाएगा फॉर्म में, और ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन हमेशा इधर लिखते हैं, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। समझ आ गया कैसे निकालते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है और क्वेश्चन क्या होता है। 38 यहाँ पे क्वेश्चन है, लिख देती हूँ, 38 यहाँ पे क्वेश्चन है, 8 यहाँ पे रिमाइंडर है, 9 यहाँ पे डिवाइजर है, जिससे हमें डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है वो डिविडेंड कहलाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बाय व्हाट परसेंट, क्या कह रहा है, बाय व्हाट परसेंट। अब इसके अंदर भी देखो वही वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, डिविडेंड डिवाइडर वो रिमाइंडर वाला। अब देखो, बाय व्हाट परसेंट इज द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री ई, एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ अ कंपनी ई ऑल ओवर द गिवन ईयर्स मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री सी ओवर ऑल द ईयर्स। यानी कि कंपनी ई का ऑल ओवर द ईयर एवरेज निकालना है, यानी कि सिर्फ प्लस करके छोड़ नहीं देना, उसको टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड भी करना है, एवरेज निकालना है ऑफ अ कंपनी ई ऑल ओवर द ईयर, कितना मोर देन है एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ अ कंपनी सी ऑल ओवर द ईयर। तो एवरेज निकालो, प्लस करो, सबसे पहले कंपनी ई का निकाल रही हूं मैं, 60, 50, 55, पहले इसको मैं प्लस कर देती हूँ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 100, 110, 5, 6 और 1, 7, 1, 2, 3, 375। अब मैं इसका एवरेज निकालूंगी डिवाइडेड बाय 5, 5 के टेबल में 5, 7 जा 35, 5, 5 जा 25, 75 आ गया। अब ऐसे सी का निकालूंगी, तो सी का एक नीचे निकाल देती हूँ, सी वाला निकालना है, ये सारा प्लस करना है, 50, 55, 70, 90, 75, 5, 5, 10, 10, 11, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 हो जाएगा, ही 9 प्लस हो गया, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, इतना आ गया। डिवाइडेड बाय 5, 5 6, 30, 5 6, 30, 66 आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बाय व्हाट परसेंट इज द एवरेज, यहां पर बताया है बाय व्हाट परसेंट द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ अ कंपनी ई और ऑल ओवर द ईयर मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी। अब इसके अंदर मोर एंड लेस वाले निकालना है, कितना मोर है कितना लेस है। तो 75 माइनस 66, तो 75 माइनस 66, नीचे क्या आएगा, मोर पूछा है तो नीचे क्या आएगा, लेस वाला 66। अब इसको कैलकुलेट करो, नाइन डिवाइडेड बाय 66, 3, 3 जा 9, 3, 2 जा 6, 2, नीचे 1, 1, 2 के टेबल में 2, 5 जा 10, 5 या 15, तो 150 को डिवाइड करना है 11 से, तो करो डिवाइड, 11 एकम 11 4 11 दिए, यहाँ पे 43, ये 7 क्या आया। अभी कैसे करोगे, कैसे लिखोगे इसके अंदर, यहाँ पर तो कैलकुलेट करके 13 11
यहाँ पर इसका आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे तो रिमाइंडर आपका ऊपर आ जाएगा जो हमने यहाँ पे करा था। कैसे करा था? 38 आपका क्या था, उसका क्वेश्चन था, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये 13 बन गया, यहाँ पर ये 13 बन गया, और ये इधर कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ इधर रिमाइंडर मेरा ऊपर आ जाएगा 7, और नीचे क्या आ जाएगा इसका कि मैं किससे यहाँ पर डिवाइड कर रही थी अपना, तो ये 11, तो 37 डिवाइडेड बाय 11 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे और आपका बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं और वहाँ से आपका आंसर निकलता है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछना मेरे से, और हमने जितना कैलकुलेट किया आई होप आपको समझ आया होगा। तो अभी तक जितने भी तरीके के टाइप हमने डिस्कस करे, ये सारे के सारे टाइप हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और सभी के टाइप को हमें एग्ज़ाम के अंदर अलग अलग तरीके के टाइप हमारे आते हैं और इनको हमें कैलकुलेट करना होता है। तो कैसा लगा आज का सेशन ज़रूर बताना, अपने फीडबैक ज़रूर देना, और अगर कोई फर्दर डाउट होगा तो मेरे से ज़रूर पूछना, ठीक है। तो चलते हैं फिर आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, ऐसे ही पढ़ते रहो, अपने गोल जेआरएफ को 100% अचीव करके लाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेआरएफ। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड।